एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव, सभी का स्वागत है दुनिया के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। आज तीज त्योहारों की सबसे पहले बात करें तो है मासिक शिवरात्रि, इसीलिए हमने शिवजी का नाम लेके इस वीडियो की शुरुआत की है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, इस दिन व्रत को करने से व्यक्ति का हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। मासिक त्योहारों में शिवरात्रि का व्रत और पूजन का बहुत महत्व होता है, बहुत सारे लोग फास्ट करते हैं। तो तमाम जानकारियाँ आज इस वीडियो में आपको मिलेंगी मासिक शिवरात्रि के बारे में, आपकी राशिफल के साथ साथ। और शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। सबसे पहले तो 17 अगस्त तारीख है, दिन है सोमवार, माह है भाद्रपद, पक्ष है कृष्ण, तिथि है त्रयोदशी आज। और अभिजीत मुहूर्त की बात कर ली तो वो है 11:58 से 12:51 तक। राहु काल चलेगा सुबह के 7:29 से 9:08 तक। इस समय में कोई भी जो है शुभ कार्य ना करें। दिशाशूल है आज पूर्व दिशा में, यानी ईस्ट डायरेक्शन में, तो इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें अगर दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो। कल के हमने अपने वीडियो में बताया था केतु जब तीसरे भाव में होता है तो क्या फल देता है, क्या शुभ फल देता है, क्या अशुभ फल देता है। आज बारी है केतु के चौथे भाव के फल की। चौथा भाव चंद्रमा का होता है जो कि केतु का शत्रु है। यदि चतुर्थ भाव में शुभ केतु स्थित हो तो जातक जो है भगवान से डरने वाला और अपने पिता और गुरु के लिए भाग्यशाली होता है। ऐसे लोग जो है उन्हें गुरु का आशीर्वाद के बाद उस जातक को जो है पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र दीर्घायु होता है। ऐसा जातक अपने सभी निर्णय भगवान पर छोड़ देता है, यानी बहुत आस्तिक लोग होते हैं जिनके कुंडली के जो है चौथे भाव में केतु बैठा होता है। और अगर केतु इसमें शुभ फल देता है तो ये सारी चीज़ें होती है, अशुभ फल देता है तो क्या होता है, तो जातक परेशान रहने लगता है, अप्रसन्न रहने लगता है, उनकी माता को कष्ट होता है, खुशियाँ कम हो जाती हैं। जातक को जो है मधुमेह यानी कि जो है शुगर पेशेंट हो सकता है, वो उससे पीड़ित हो सकता है। 36 साल की उम्र के बाद बेटा पैदा होता है, यानी कि थोड़ा लंबे समय के बाद उनको पुत्र प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को जिनके चौथे भाव में केतु बैठा होता है, पुत्र की तुलना में पुत्रियां अधिक होती हैं। क्या करना है जब केतु अशुभ हो जाए तो, जब चौथे भाव में बैठा हो और अशुभ फल दे रहा हो तो, मन की शांति के लिए चांदी पहना करें, पहला उपाय ये है। दूसरा उपाय है बहते पानी में पीली चीज़ें बहाएं। ये दो उपाय करते हैं तो अशुभ केतु जो है चौथे भाव का वो आपको शुभ परिणाम देने लगेगा। तो ये जानकारी केतु के बारे में थी। अब आपका राशिफल जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मानसिक शांति के लिए किसी दान पुण्य के काम में सहभागिता करें। जो लोग दूध व्यापार या लिक्विड आदि के व्यापार से जुड़े हुए हैं उन्हें आज आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आज घर में तनाव हो सकता है, और तनाव क्यों होगा, क्योंकि आपकी जो है स्वच्छंद जीवन शैली, आपका जो है अकेले रहने वाला आदत, आपके जो है अकेले रहने की जो आपकी शैली है, आपका जो है किसी की परवाह नहीं करना, ये जो आपकी जीवन शैली है इसकी वजह से आज घर में तनाव होगा। देर रात तक बाहर मत रहें और ज़्यादा खर्चा करने से बचें। ये दोनों चीज़ें करके आप अपने घर के लोगों को अपने अगेंस्ट जाने से रोक सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो आज दिन जो है अच्छा है, जीवन के रस का भरपूर आनंद लेंगे, प्रेम रस का आनंद लेने में सफल रहेंगे। लंबे वक्त से अटकी हुई बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आज निपटाने में आप कामयाब हो जाएंगे। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आज आप अपने लिए समय निकाल पाने में सक्षम होंगे। खाली वक्त में कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं आप। आपके जीवन साथी का आंतरिक सौंदर्य बाहर भी पूरी तरीके से आज महसूस होगा, और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी होगी। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर दाम्पत्य सुख प्राप्ति के लिए खाने में जो है केसर का प्रयोग करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। आशावादी बने यानी पॉजिटिव रहें और उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं और आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। आपके मन में जल्दी पैसा कमाने की तीव्र इच्छा पैदा होगी। आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे और घरेलू तनाव को दूर करने में आपकी मदद भी करेंगे। लव लाइफ की बात करें तो आज इस राशि के जातकों को अपने लव पार्टनर का एक अलग अंदाज देखने को मिल सकता है। अंदाज बहुत ही अनोखा होगा, पसंद भी आएगा आपको। आज जो है बहुत अच्छा दिन है, किस लिए, नई परियोजनाओं और कामों को अमलीजामा पहनाने के लिए। नए कार्य शुरू कर सकते हैं, अभिजीत मुहूर्त का जरूर ध्यान रखें। काम को समय पर निपटाकर आज जल्दी घर जाने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। इससे परिवार वालों को खुशी मिलेगी, आप भी तरोताज़ा महसूस करेंगे उनके साथ समय बिता के। मैरिड लोगों की बात करें तो आज शादीशुदा जिंदगी के मोर्चे पर हालात थोड़े मुश्किल रहेंगे, लेकिन जो है आपको क्या करना है,
आपको सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर आज क्या करना है, किसी से मिलने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो अपने कपड़ों पर इत्र लगा कर जाएं। इससे तो बाकी चीज़ें अच्छी ही होंगी, लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। दोस्तों का रुख आज सहयोगी रहेगा और वे आपको खुश रखेंगे। इस राशि के कारोबारियों को आज अपने घर के उन सदस्यों से दूर रहना है जो आपसे पैसे मांगते हैं और लौटाते नहीं, यानी लेनदार से आज दूर रहना है। जो आपसे कर्ज मांगते हैं उनसे दूर रहना है, जो आपसे पैसे मांग रहे हैं उनसे दूर रहना है। पैसों के मामले में आज थोड़ा सा सेल्फिश बने, किसी की मदद ना करें, नहीं तो आप तंगी में आ सकते हैं। बात करें फैमिली लाइफ की, तो आज आपको अपने जो है फैमिली मेंबर्स की ज़रूरतों का ख्याल रखना होगा, और आप रखेंगे भी, और अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा इससे, सब लोग खुश रहेंगे। लव लाइफ को बेहतर बनाना है तो आप अपने सोशल मीडिया पर शुरुआती संदेशों को देखिए, मैसेजेस को देखिए। जब आपने रिलेशन शुरू किया था उस समय को याद कीजिए, एक खूबसूरत ताज्जुब का एहसास होगा और आपके जो है रिलेशन में जो परेशानियाँ चल रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। मानसिक स्पष्टता आज आपको व्यवसाय में प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगी, यानी कंपटीशन जो है वो अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, और आपकी जो माइंड की जो तेज़ी है वो आपको आगे बढ़ाएगी। आज आप सारी पुरानी दुविधाएं खत्म करने में भी सफल रहेंगे, हर एक आपका डाउट क्लियर होगा। आप अपना खाली समय अपनी माता की सेवा में बिताना चाहेंगे, लेकिन ऐन मौके पर किसी काम के आ जाने की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। निराश मत होइए, अगर आप सच में अपने बड़ों की सेवा करना चाहते हैं तो जो है आपको टाइम ज़रूर मिलेगा, लेकिन आज आप इस वजह से थोड़ा परेशान होंगे कि आप उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। मैरिड लाइफ की बात करें तो एक बढ़िया जीवन साथी के साथ जीवन बहुत अद्भुत लगता है और आज आप इस बात का अनुभव करने वाले हैं। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफ़ेद। उपाय के तौर पर आज किसी सुपात्र व्यक्ति को पुस्तक या पठन सामग्री दें, आपका जो है जीवन अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति के लिए शुभ रहेगा ये। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। आपकी व्यक्तिगत समस्याएं आज मानसिक शांति को भंग कर सकती हैं। मानसिक दबाव से बचने के लिए कुछ रोचक और अच्छा पढ़ें। जब अच्छा पढ़ते हैं तो अच्छा सीखते हैं, और सीखते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं आप। जल्दबाजी में आज निवेश न करें। अगर आप सभी तरीकों से चेक नहीं करेंगे, परखेंगे नहीं, तो नुकसान हो सकता है। इसीलिए आज इन्वेस्टमेंट और पैसों से जुड़ा हुआ कोई भी लेन देन जल्दबाजी में नहीं करना है। शाम के समय कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है और ये गुड न्यूज़ आपकी फैमिली में भी खुशी और उत्साह का कारण बनेगी। आप और आपका लव पार्टनर आज प्यार के समुंदर में गोते लगाएंगे। वर्ड्स बहुत हैवी हैं, लेकिन आज सिंपल वे में कहें इसको तो आज लव लाइफ के लिए दिन बहुत अच्छा है। जिस पहचान और पुरस्कार की इस राशि के लोग उम्मीद कर रहे थे अपने कार्य क्षेत्र में, वह बाद के लिए टल सकती है और आपको हताशा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हार मत माने, अगर अच्छा काम करते हैं तो रिजल्ट आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा, और एक ना एक दिन वो मिलेगा ही, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हार मत मानिए, अपना अच्छा काम करते रहिए। आज इस राशि के स्टूडेंट्स की बात करें तो आपको अपने काम को आज जो करने वाले थे उसको कल पे मत टालें। आपको जब भी आज पूरे दिन में खाली समय मिलता है उस काम को पूरा कर दें, नहीं तो हो सकता है कि कल पे टालना काम को या आपके लिए नुकसानदेह हो जाए, तो इस पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स लोग खासतौर पे। मैरिड लोगों की बात करें तो आज जीवन साथी के साथ की कितनी अहमियत है ये आप महसूस करने वाले हैं। हो सकता है आपको कहीं जाना हो या उनकी कभी ज़रूरत हो और वो आपके साथ मौजूद ना हो, ये चीज़ आपको गुस्सा तो नहीं दिलाएगी, उनकी मौजूदगी उनकी अहमियत का एहसास करा देगी आपको। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफ़ेद। उपाय के तौर पर आज क्या करना है आपको, भोले बाबा का दिन है आज, मासिक शिवरात्रि है, तो इससे अच्छा और क्या होगा, शिव जी का जाप करें, शिव जी के नाम का जाप करें, शिव मंत्र पढ़ें, शिव चालीसा पढ़ें, ये सब करें, आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। अपनी शारीरिक सेहत सुधारने के लिए संतुलित आहार लें। जिन लोगों ने किसी रिश्तेदार से पैसा उधार लिया था उनको आज वो उधार किसी भी हालत में वापस करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास का पल लेकर आएगा। आज बाहरी चीज़ों का आपके लिए खास मायने नहीं बचेगा, क्योंकि आज आप पूरे दिन प्यार की खुमारी में गुम रहेंगे। खुद को अभिव्यक्त करने के लिए भी अच्छा दिन है, और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कीजिए आज जो क्रिएटिव हो, यानी आज आपकी क्रिएटिविटी ही आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। याद रखिए, वक्त से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसीलिए वक्त का सदुपयोग करना सीखें। आपको जीवन को लचीला बनाने की कई बार ज़रूरत होती है, और अपने घर वालों के साथ समय बिताने की भी ज़रूरत होती है। वक्त का ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, इसी से आपका जीवन बेहतर हो सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज स्नेह दिखलाने का आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। आपको अपने जीवन साथी को प्यार दिखाना पड़ेगा, और वो इस चीज़ का अनुभव भी करेंगे, आप भी उसका अनुभव करेंगे कि एक मैरिड लाइफ में, एक रिश्ते में प्यार की कितनी अहमियत होती है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर आज सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करें, अच्छी सेहत भी मिलेगी और दिन भी अच्छा बनेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। अपनी शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए आप आज का दिन खेलने में व्यतीत कर सकते हैं, यानी आज आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे।
आर्थिक समस्याओं की वजह से आपकी क्रिएटिविटी जो है बेकार हो सकती है। आज आप सोच नहीं पाएंगे, पैसों की तंगी रहेगी, पूरे दिन टेंशन में रह सकते हैं। फैमिली लाइफ भी कुछ खास नहीं है, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा और इसकी वजह से तनाव हो सकता है। लेकिन जो आपकी लव लाइफ है वो बहुत अच्छी होगी आज के दिन, क्योंकि ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि आपकी जो लव लाइफ है वो एक अच्छा मोड़ लेने वाली है, खूबसूरत मोड़ लेने वाली है। आज आपको पता चलेगा कि फिजाओं में जब प्यार घुलता है तो कैसा महसूस होता है। इस राशि के जो छोटे व्यवसायी हैं, जो लघु व्यवसाय करने वाले इस राशि के जो जातक हैं, आज उनको घाटा हो सकता है। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी मेहनत सही दिशा में है तो आपको आज भले ही रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको अच्छा फल जरूर मिलेगा। अगर कहीं बाहर जाने की योजना है तो वह आखिरी वक्त पर टल सकती है। जब आप अपने जीवन साथी से भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं तो नज़दीकी अपने आप महसूस की जा सकती है और ये आपको महसूस आज होगी भी। शुभ अंक है आपके लिए आज 7, शुभ रंग है आपके लिए क्रीम और सफ़ेद। और उपाय क्या करना है, केसर का तिलक लगाएं, इससे फैमिली लाइफ अच्छी चलेगी और सब कुछ आपका बैलेंस रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है तुला राशि के जातकों की। शकी स्वभाव के चलते आज आप लोगों के निंदा के शिकार हो सकते हैं, हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो डाउट करने वाला जो नेचर है ये त्याग दें, क्योंकि शक रिश्ते को खराब करता है, हर चीज को खराब कर देता है। आप खुद को आज नए रोमांचक हालात में भी पा सकते हैं जो आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे। दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शाम के में आयोजन जो है एक शिरकत कर सकते हैं, यानी हो सकता है आप फैमिली मेंबर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ कहीं जाएं या उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करें। आपको अपनी जो है रसिक कल्पनाओं पर अधिक गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संभावना है कि वे आज सच हो जाएं, यानी आज आप जो नहीं भी सोचेंगे वो भी आपके साथ होने वाला है। आपकी अंदरूनी ताकत आज ऑफिस में आपके दिन को बेहतर बनाएगी और आपका अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। कुछ लोगों के लिए आकस्मिक यात्रा दौड़ भाग भरी और तनावपूर्ण हो सकती है। यात्रा उस दिशा में ना करें जिस दिशा में हमने आपको बताया है, दिशाशूल हमने ऊपर आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया है, तो दिशाशूल का ध्यान रखें। जीवन साथी जो है सुबह से आपके लिए ऐसा करेगा कि आपका पूरा दिन ही खुशगवार गुजरेगा और उनके साथ अच्छा आप टाइम बिताएंगे। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर विष्णु या दुर्गा जी के मंदिर में कांसे का बर्तन जो है दान करें, कांसे की चीज़ों को दान करें, ये आपको शुभ परिणाम देगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। दूसरों के साथ खुशी बांटने से सेहत और खिलेगी। आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से धन लाभ होने की भी संभावना है, यानी आज घर के मेंबर्स से पैसा आपको कहीं से आ सकता है उनके थ्रू। दोस्तों या परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। जाहिर तौर पर आज रोमांस के पर्याप्त मौके होंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम समय के लिए होगा, तो इस समय को जरूर झटक लें और इस समय का लाभ उठाएं। व्यवसायियों के लिए अच्छा दिन है, क्योंकि उन्हें अचानक बड़ा फायदा हो सकता है। यात्राओं से तुरंत लाभ तो नहीं होगा, लेकिन इसके चलते अच्छे भविष्य की नींव जरूर रखी जाएगी। रोजमर्रा की शादीशुदा जिंदगी में आज का दिन लजीज मिठाई जैसा होगा, मैरिड लाइफ अच्छी बीतेगी। शुभ अंक है आपके लिए 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। उपाय के तौर पर गरीब कन्याओं में चॉकलेट बांटे, यानी मीठा कुछ बांटे, इससे आपके प्रेम संबंध में वृद्धि होगी। शुभ अंक हमने बता दिया, शुभ रंग बता दिया, उपाय बता दिया। बारी भाग्य स्टार की, तो भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अगली राशि है धनु। ध्यान से सुने कैसा बीतेगा आपका दिन। भले ही आप उत्साह से आज लबरेज हों, फिर भी आज आप किसी ऐसे की कमी महसूस करेंगे जो आपके साथ उपलब्ध नहीं है, जो आपके साथ मौजूद नहीं है। जल्दबाजी में आज कोई भी निवेश नहीं करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। अगर कहीं जाते हैं, भाग लेते हैं सामाजिक जलसों में, कार्यक्रमों में, तो इससे आज आपके संगी साथियों की फहरिस्त में इजाफा हो सकता है और ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट भी रहेगा। कहते हैं हर इंसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आता है, तो आज आपकी लिस्ट में इजाफा होगा। लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से बातचीत होगी। प्रेम का सच्चा अर्थ आपको आज समझ आ सकता है। लव लाइफ अच्छी बीतेगी, आप प्रेम की वास्तविकता का अनुभव करेंगे। अगर आप कई दिनों से कामकाज में दिक्कत महसूस कर रहे थे, तो आज के दिन राहत मिलने वाली है। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए आज अच्छा दिन है, तो आज आप कोई धर्म कर्म के काम करना चाहते हैं, लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, तो मिल सकते हैं। मैरिड लाइफ की बात करें तो आज चीज़ें आपके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी ओवरऑल दिन आज आपके लिए अच्छा है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर आज शिवजी की पूजा करें, आपके लिए शुभ रहेगा। मासिक शिवरात्रि भी है। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। ऊर्जा के अपने ऊंचे स्तर को आज अच्छे काम में लगाएं। आप जीवन में पैसे की अहमियत को नहीं समझते, लेकिन आज आपको पैसे की अहमियत समझ में आ सकती है, क्योंकि आज आपको पैसों की बहुत आवश्यकता होगी, लेकिन आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। आपके जीवन साथी की सेहत तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। वहीं आज आपका लव पार्टनर या आपका लाइफ पार्टनर, उसका एक प्यार भरा मैसेज या उसका एक उसकी कॉल आपका दिन बना देगी। कामकाज में आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। आप जिस प्रतियोगिता में भी कदम रखेंगे, आपका प्रतिस्पर्धी स्वभाव आपको जीत दिलाने में सहयोग देगा।
जीवन साथी के चलते आप जो है महसूस करेंगे कि स्वर्ग जो है वो धरती पे ही है। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला। उपाय के तौर पर क्या करना है, घर पर अपने इष्ट देव को पीला फूल चढ़ाएं आज, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य आज पूरी तरीके से आज साथ देगा। आज आपके भाई बहन आपसे आर्थिक मदद भी मांग सकते हैं और उनकी मदद करके आप खुद आर्थिक दबाव में आ सकते हैं। हालांकि स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी। स्टूडेंट्स की बात करें तो आज आप अपने और जो है स्कूल की चीज़ों को करने में या किसी पढ़ाई में आपको थोड़ी सी बाधा आएगी और आप अपने किसी सीनियर से मदद मांग सकते हैं या आप अपने किसी बड़े से मदद ले सकते हैं। आज अनपेक्षित रोमांटिक आकर्षण की भी संभावना है। किसी ऐसे इंसान से आप मिल सकते हैं जिससे अचानक से आपको प्यार हो जाए या वो आपको पसंद आने लगे। दिन की शुरुआत से अंत तक आज आप पूरी तरीके से एनर्जी आपके में भरी रहेगी। नए काम के आगाज़ के बारे में या नया काम शुरू करने से पहले उस काम से रिलेटेड किसी अनुभवी इंसान से बात करना आज आपको चाहिए, नहीं तो काम में आप उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। अगर आज आपके पास समय है तो आप कोशिश करें कि एक्सपीरियंस लोगों से मिलें। काम को शुरू करने वाले हैं तो उसके बारे में जानने की कोशिश करें, यानी पूरा रिसर्च करने के बाद ही कोई काम आज शुरू करें। मैरिड लोगों की बात करें तो आज सबसे खास दिनों में से एक होने वाला है। आपको प्रेम की गहराई का अनुभव होगा। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। उपाय के तौर पर आज हरी घास पर नंगे पांव जरूर चलें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। जो भी काम आप करते हैं उसको करने से पहले 2 बार सोचें आज, नहीं तो हो सकता है कि अनजाने ही आपका नज़रिया किसी की भावनाओं को आहित कर दे। कुछ भी बोलना है तो वो सोच के बोले, क्योंकि कभी कभी हम भावनाओं में आके इतना बोल जाते हैं कि हमें ये नहीं समझ में आता हम अच्छा बोल रहे हैं बुरा बोल रहे हैं और सामने वाला उससे हर्ट हो जाता है। तो आज किसको हर्ट नहीं करना है आपको। धन लाभ आज के दिन होने की पूरी संभावना है। आप दान पुण्य भी करें ज़रूर, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आज धर्म कर्म का काम करना अच्छा है। घरेलू जिंदगी भी आज आपकी अच्छी रहेगी, सुकून भरी रहेगी, खुशनुमा रहेगी। एक काम जो आपको नहीं करना है वो है शक। बेवजह का शक आपके रिश्ते को आज खराब कर सकता है, तो बेवजह का शक ना करें। आज प्रेमी पर जो है कोशिश करें उनको क्लोज फील कराएं और अगर आपको कोई डाउट है तो उनके साथ बैठकर क्लियर कर लें। यदि किसी बात को लेकर मन में उनके प्रति संशय है तो हल निकालना ही बेटर ऑप्शन है, ना कि डाउट करते रहना और माइंड में 50 तरीके की अलग अलग प्लानिंग्स करते रहना। यात्राओं से व्यवसाय के नए मौके मिलेंगे, लेकिन यात्रा जो उस दिशा में ना करें जिस दिशा में हमने आपको दिशाशूल बताया है। घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं, उनके साथ थोड़ा समय बिता सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से घर में पैक्ड रहे हैं और इसकी वजह से वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा उनको बाहर घुमा के ला सकते हैं, लेकिन सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। आज हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ की बात कर रहे हैं, किसी छोटी सी बात से आपका और आपका जीवन साथी जो है हल्की फुल्की नोकझोंक करे, लेकिन ये नोकझोंक ठीक हो जाएगी और ये छोटी सी बात होगी, कोई छोटी सी बात पे मन मुटाव सा कुछ होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें ओवरऑल ठीक हो जाएंगी। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर आज क्या करना है, कोंढ़ी व गूंगे बहरे व्यक्ति यानी अपाहिज व्यक्ति की मदद करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा बीतेगा आज का दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। आज मासिक शिवरात्रि है, तो सबसे पहले तो मासिक शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। शिवजी करे कि आपके सारे दुख दूर हो जाएं। एक और बात जो कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने जो बताया वो हमसे नहीं मैच हुआ या हमारा दिन वैसा नहीं गया। तो पहली बात कि ये जानकारियां जो होती हैं वो ग्रहों के नक्षत्रों के आधार पर हम आपको देते हैं। दूसरी बात, तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे ये मैच भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को मिलते भी हैं, तो हर एक बोली गई हमारी बात आपको डिट्टो मैच करें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान की कुंडली अलग होती है। डिट्टो मैच करवाने के लिए आप जो है हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ आप एस्ट्रोलॉजर से आप जुड़ सकते हैं, वो आपको डिट्टो बताएंगे। लेकिन हम जो ये बताते हैं वो ग्रह नक्षत्र के आधार पर आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा हम वो बताते हैं। एक राशि में करोड़ों अरबों लोग होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कोई सवाल है आपका, कुछ भी आपका सवाल है मन में, तो आप नीचे लिख दें, हम ज़रूर आपके सवाल को शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने अगले वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। लेकिन मन में कोई दुविधा मत रखिए, आपके जीवन में सब अच्छा हो इसी की हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं और ईश्वर आपके जीवन में सिर्फ खुशहाली ही लेकर आएंगे। अच्छा कर्म करते रहें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, किसी को हर्ट ना करें अपनी बातों से भी नहीं, क्योंकि जो इंसान बोलकर चला जाता है वो आपने अपना मुँह गंदा किया, आपका मुँह गंदा हुआ, आपका समय आपका सब कुछ ज़ाया हुआ, सामने वाले का कुछ नहीं गया। तो अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, ज़रूर अच्छा होगा। बाकी जिन लोगों का जन्मदिन है आज, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।